अपनी 365 रानियों को लाल केन से संतुष्ट करते थे पटियाला के महाराजा। महाराजा भूपेंद्र सिंह जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तब भारत में 720 रियासतें थी। सभी रियासतों पर किसी न किसी राजा का हक हुआ करता था। उन रियासतों की अपनी एक अलग कहानी और पहचान हुआ करती थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो सभी रियासतें एक हो गई। इनमें से एक महाराजा ऐसे भी हुए जिनके 365 रानियां थी और वे अपनी रंगीन मिजाजी के लिए काफी प्रसिद्ध थे। ये महाराजा थे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादा महाराजा भूपेंद्र सिंह। 365 रानियों के साथ रहते थे महाराजा। पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह की रईसियत का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि वे 17 करोड़ रुपए के डिनर सेट में खाना खाते थे। इतना ही नहीं, वह करीब 2930 डायमंड से जड़ा हुआ हार पहना करते थे जिसकी कीमत आज $25 मिलियन 166 करोड़ है। महाराजा भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को पटियाला के मोती बाग में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा राजेंद्र सिंह था। साल 1900 में पिता की मौत के बाद बहुत छोटी सी उम्र में ही भूपेंद्र सिंह ने राजपाट संभाल लिया था। आपको बता दें कि महाराजा भूपेंद्र सिंह बचपन से ही विलासी प्रवृत्ति के थे। उनकी रंगीन मिजाजी का जिक्र महाराजा के दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा में हुआ है। 10 एकड़ क्षेत्र में बना है महल। महाराजा भूपेंद्र सिंह का किला पटियाला शहर के बीचों बीच 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस किले की खासियत यह है कि इसके परिसर में मुख्य महल, गेस्ट हाउस और दरबार हॉल बना हुआ है। महाराजा का महल बड़ी संख्या में भित्ति चित्रों से सजाया गया है जिन्हें महाराजा नरेंद्र सिंह की देखरेख में बनवाया गया था। महाराजा के मुबारक किला के अंदर 16 कांच के सजाए गए चेंबर हैं। भूपेंद्र सिंह के मुख्य महल में एक हॉल, महिला चेंबर और लसी खाना भी है। इस महल में 2 आंगन है और यहाँ पर फवारे और टैंक आंगन की शोभा बढ़ाते हैं। इस महल के रसोई खाने में एक सुरंग भी है जहाँ युद्ध के समय महाराजा महल इसी से आया जाया करते थे। तब यहाँ पर 3500 लोगों को खाना बना करता था। नग्न अवस्था में मिलता था प्रवेश। दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा में महाराजा भूपेंद्र सिंह की रंगीन मिजाजी का भी जिक्र किया गया है। महाराजा ने अपनी रईसी का प्रदर्शन करने और अयाशी को दिखाने के लिए एक नया अड्डा बनवाया था जिसका नाम था लीलावन, जो पटना में स्थित है। इस महल में केवल लोग निर्वस्त्र होकर ही प्रवेश कर पाते थे। यहाँ की दीवारों पर कामसूत्र और उत्तेजक चित्रकारी बनी थी। यहाँ एक स्विमिंग पूल भी था जहाँ पर एक बार में 150 मर्द और महिलाएं स्नान कर सकती थी। यहाँ पर राजा महाराजा अपनी रानियों की एक दूसरे से अदला बदली करते थे। 365 रानियों को रखते थे संतुष्ट। जर्मनी दास ने अपनी किताब में लिखा है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह ने साल 1900 से 1938 तक पटियाला की पुरानी रियासत पर राज किया। राज करते वक्त महाराजा के 365 रानियां थी। इतिहासकार मानते हैं कि महाराजा के 10 अधिकृत रानियों समेत कुल 365 रानियां थी। इन रानियों के लिए पटियाला में भव्य महल बनवाए गए थे। राजा 365 रानियों को कैसे संतुष्ट करते होंगे, ये सवाल अक्सर जहन में उठता है। तो इसका जवाब यह है कि महाराजा पटियाला के महल में प्रतिदिन 365 लालटेन जलवाते थे। सभी लालटेनों पर उनकी 365 रानियों के नाम लिखे होते थे। जो लालटेन सुबह पहले बुझती थी, महाराजा उस लालटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे और फिर उसी के साथ रात गुजारते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह की 10 अधिकृत रानियों से 83 बच्चे पैदा हुए, लेकिन 53 ही जिंदा रह पाए। 19वीं सदी में था खुद का प्लेन। महाराजा किताब में महाराजा भूपेंद्र सिंह के राजसी ठाट बांट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें उल्लेखित है कि जिस समय लोग साइकिल तक नहीं खरीद पाते थे, उस वक्त महाराजा के पास खुद का प्लेन था और उन्होंने अपने राज्य में पहला रनवे बनवाया था जिसका नाम था पटियाला क्लब। इसके अलावा महाराजा के पास 44 रोल्स रॉयस थी, जिनमें से 20 रोल्स रॉयस का इस्तेमाल रोज दौरा करने के लिए होता था। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत। भारत में क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय अभी महाराजा भूपेंद्र सिंह को जाता है। साल 1911 में वे अपनी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड ले गए थे मैच खिलवाने के लिए। वहां उन्होंने खूब क्रिकेट खेला और इंग्लैंड के कोच से प्रभावित भी हुए। भारत वापस आते वक्त वे इंग्लैंड कोच को अपने साथ ले आए। उन्होंने ही मुंबई और अमृतसर में 2 स्टेडियम बनवाए। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना का श्रेय भूपेंद्र सिंह को जाता है। महाराजा ने ही राजकुमार रणजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की थी। पटियाला पेग शुरू करने वाले महाराजा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पटियाला पेग शुरू करने वाले महाराजा भूपेंद्र सिंह ही थे। एक बार आयरलैंड की टीम मैच खेलने भारत आई थी। क्रिकेट मैच में आयरलैंड को हराने के लिए महाराजा ने एक प्लान बनाया था।
उन्होंने मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ियों को बुलाया और पार्टी की। पार्टी में शराब भी रखी। जब शराब परोसी गई तो उसके पैग का साइज बड़ा रखा गया। इस दौरान आयरलैंड के खिलाड़ियों ने पूछा कि आखिर ये पैग इतना लार्ज क्यों है, तो महाराजा ने कहा कि ये पटियाला का पैग है। महाराजा भूपिंदर सिंह, आपको बता दें कि तानाशाह हिटलर के साथ महाराजा की दोस्ती के किस्से भी खूब चर्चित रहे। वर्ष 1935 में बर्लिन दौरे के दौरान भूपिंदर सिंह की दोस्ती अडोल्फ हिटलर से हुई थी। कहते हैं कि महाराज के शाही अंदाज और शाही शौक से हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि विदाई के वक्त उसने अपनी माँ एक बैग कार महाराज को गिफ्ट दे डाली थी। तो ऐसे थे हमारे राजा महाराजा, जिनके आगे सिंकदर और हिटलर जैसे लोग भी पानी भरते थे।